हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लीनियर अलजेब्रा के ऊपर बात करेंगे, जो अलग अलग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है। आइए। सॉरी, देखो बच्चे, लीनियर अलजेब्रा को आप और हम कोई भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट हो गया आपका मैट्रिसेस, इसका सेकंड पार्ट है वेक्टर स्पेस, और इसका लास्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हाँ जी, ये तीन चीज़ें हैं। देखिए, मैट्रिसेस लिखा है तो मैट्रिसेस खाली वो नहीं है जो आपने मतलब स्कूल लेवल में पढ़ा था, ये थोड़ा एडवांस्ड है। जैसे 10-11 मैट्रिसेस अगर आपने कमांड कर लिए अच्छे से, फॉर एग्जांपल निल पोटेंट, एडम पोटेंट, हर्मिशियन, स्क्यूहर्मिशियन, ऑर्थोगोनल, यूनिटरी और डायगनल, और वो सब तो हैं ही ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। अगर उन पर पूरा फुल कमांड कर लिया, उनका आइजन वैल्यूज़ कैसा होता है, उनका डिटर्मिनेंट कैसा आता है, ठीक है ना, वो सब कुछ सब कुछ, तब जाके मैट्रिक्स में मजा है। क्योंकि मैट्रिक्स में तो आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर आएगा ही आएगा, और उससे भी बढ़ के कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, बट मिनिमल पॉलीनोमियल नहीं करते हैं। और मिनिमल पॉलीनोमियल ना करना मतलब अपने आप को एक तरह से हैंडीकैप करना होगा, तो वो कंसेप्ट भी गजब है। फिर आते हैं आपका वैक्टर स्पेसिस पे। बेटा, वैक्टर स्पेसिस में खाली वैक्टर स्पेस नहीं है, उसमें सब स्पेस हो गया, LDLI हो गया, लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, फिर बेसिस डायमेंशन आएगा। आप सबको भी पता है मैथमेटिक्स में बेसिस और डायमेंशन का कितना यूज़ है। जस्ट वेट, देखिए, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लीनियर अलजेब्रा। अब बेसिस डायमेंशन, बेसिस डायमेंशन तो हर फील्ड में आप निकाल सकते हैं। मतलब इवन अगर आपने नेट के अच्छे वाले क्वेश्चन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल मीट्रिक स्पेसिस, उसमें भी आता है, टॉपोलॉजी में भी निकलते हैं, नेट में तो क्वेश्चन कंबाइन करके आती हैं। इवन ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन में डायमेंशन निकाली जा रही है। 2021 में जैम का क्वेश्चन आया था हाइंसबर्ग ग्रुप के ऊपर, डायमेंशन निकाल के बताइए उसके सेंटर का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें फंसी हुई हैं इसका। लेट मी टेल यू, वेक्टर स्पेस वास्ट 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 है, बट उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि एक सिस्टम, ये मेट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन मेट्रिक्स आ गया। लास्टली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो बच्चा ये सोचता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो मैट्रिसेस में आएगा या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो वेक्टर स्पेस का पार्ट है, वो गलत सोचता है। क्योंकि इसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रैंक की जरूरत पड़ेगी, विच इज़ समथिंग टू डू विद मैट्रिसेस। इसी में आपको कई बार पूछते हैं भाई आइजन स्पेस का डायमेंशन, जैसे ही बोल दिया डायमेंशन वैसे ही वैक्टर स्पेस आ गया पिक्चर में। तो ये दोनों करने के साथ साथ या ये दोनों करने के बाद आपको ये करना है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मतलब आपने 10-12-15 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपका वो ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसे नहीं बोलते कि सॉल्यूशन है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो बहुत कुछ और पूछा जा सकता है उसमें। जैसे मैंने अभी बोला, आपको डायमेंशन पूछा जा सकता है, नल नल स्पेस का नलिटी कितना है, सो मैनी थिंग्स। या आइजन वैक्टर बताइए, कितने नॉन जीरो आइजन वैक्टर्स होंगे इसके पास, इंडिपेंडेंट कितने होंगे। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, अब इतना कुछ कहने के बाद देखो भाई, मैं थोड़ा सा आपको मैट्रिसेस में बताता हूँ, ये सभी बच्चों के लिए जो लीनियर अलजेब्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। देखो बेटा जी, ये तो कॉमन सेंस है, स्कूल में पढ़ा था हमने, ए प्लस स्कूल में पढ़ा था आपने कि भाई ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसी सभी गलत फहमियों को, सही सुना आपने, ऐसी सभी भ्रांतियों को, गलत फहमियों को मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा झुठला देता है। ये ऐसा इन जनरल नहीं होता है। क्या मतलब है मेरे कहने का? देखिए, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसको सीरियस होकर समझो, ये ज़रूरी है भाई आप लोगों के लिए। लेट मी टेल यू, अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, बिकॉज हम मैट्रिसेस में बात कर रहे हैं, सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस,
और कोई ये सोचे कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो जब स्कूल में होता था तो यहाँ पे भी होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ बेटा ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीज़न सुनिए। वॉट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर? एक समझदार बच्चे को इंटेलिजेंटली चलना ही चाहिए। दिस इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विद ए प्लस बी, दिस इज ए ए बी बी ए बी बी, हाँ जी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। अब अपने दिल से पूछिए, यस, क्या आप ए बी प्लस बी ए को ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं? अगर आप ए बी प्लस बी ए को ए बी प्लस ए बी लिख पाएंगे तभी आप ये स्टेप कर सकते हो बेटा। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई होगी आप सबको, बिकॉज आप एग्जाम देने जा ही रहे हैं। देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 12th क्लास में ही सिखा दिया गया था, अगर आपके पास दो मेट्रिसेस हैं ए बी, तो भाई उनका सम आप किसी भी ऑर्डर में करिए ए प्लस बी बी प्लस ए बराबर आएगा। बट इन जनरल ए बी बी ए के बराबर नहीं आएगा, इन जनरल, इन जनरल। तो बेटा जब ए बी बी ए के बराबर नहीं आएगा तो ये स्टेप तो फिर गलत हो गया। इट्स अ रॉन्ग स्टेप, इट इज़ नॉट अलाउड एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल कि एक एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला ऐसी मूर्खता कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो व्हेन कैन वी राइट दिस? इन जनरल तो लिख ही नहीं सकते। दिस कैन बी रिटन प्रोवाइडेड, दिस कैन बी रिटन इफ एंड ओनली ए बी बी ए के बराबर है, यानी जब मेट्रिसेस कम्यूट करेंगे तभी। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ना शुरू करेंगे ना मजा आ जाएगा। ऐसे दूसरा देखिए, ये नहीं है तो ए बी का होल स्क्वायर हो सकता है शायद हो जाए, वो भी करके दिखा देते हैं आपको। वॉट इज ए बी का होल स्क्वायर माई डियर? ए बी का होल स्क्वायर इज सेम एज ए बी मल्टीप्लाइड विद ए बी, विच इज सेम एज ए बी ए बी। हाँ जी, आगे देखिए, ए ए बी बी। ना ना, सुनो सुनो भाई, आप ही लोगों के लिए सब कुछ हो रहे हैं, आपको आपकी गलतियां नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब देखो भाई, एक एक स्टेप चेक कर लेते हैं यहाँ पर। हम अभी मना किया था ऐसा नहीं हो सकता, लेट अस सी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ से यहाँ इज ओके, यहाँ से यहाँ एसोसिएटिव लॉ, ये स्टेप ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे अगले स्टेप में तो गड़बड़ हो गया। क्या ये आपने बी ए को ए बी कैसे लिख दिया? हाँ जी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये तो लिख ही नहीं सकते। अगर आप ए बी बी ए को नहीं, ए बी ए को ए बी नहीं लिख सकते, फिर तो आगे वाले स्टेप्स भी नहीं आएंगे। समझ में आया बेटा जी? अभी तक तो कुछ और ही सोच रहे थे, अब देखो क्या आया। तो ना तो ए बी का होल स्क्वायर और ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हैं अंटिल अनलेस मैट्रिसेस कम्यूट करें। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, ये बेसिक चीजें हैं, बच्चों को हर हाल में आना ही चाहिए, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। हाँ जी, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी, देन जरा बताएंगे क्या क्या होगा? ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ए नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर 3 ए मस्ट बी अ, मतलब दोनों में से कोई एक, नंबर 4 ए मस्ट बी अ डायगनल मैट्रिक्स। नंबर 5 ए मस्ट बी अ डायगनल मैट्रिक्स विद एंट्रीज 1 एन माइनस 1। इसमें और भी पार्ट्स लिखे जा सकते हैं, बट बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है इसलिए आपको डराना नहीं चाह रहे हम। तो ये दीज मैनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। हाँ
जी, आइए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसका बहुत खूबसूरत सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। सिंपली देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा। अगर ए आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया टू ऑर्डर का, तो ये तो पक्का है इसका स्क्वायर आइडेंटिटी आना है। बट कन्वर्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर किसी का स्क्वायर आइडेंटिटी है तो वो आइडेंटिटी होगा नहीं। ये ले लो ए, देखो जरा -1 0 0 1, ये डायगनल मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी आइडेंटिटी आएगा। तो यानी कि पहले वाला गलत है कि अगर ए स्क्वायर ए आई सेटिस्फाई हो गया तो ए आइडेंटिटी होना चाहिए। नो, ए माइनस आइडेंटिटी होना चाहिए। भाई दिस इज नीदर आइडेंटिटी नॉर माइनस आइडेंटिटी, बट येट इट हैज़ द प्रॉपर्टी दैट ए स्क्वायर इज आई। सो ये गलत है। थर्ड पे आइए, ए या तो आई होगा माइनस आई होगा। सेम एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मिल गया। अब ना चौथा होगा बच्चों से ना पाँचवा होगा, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं ये तो खुद ही डायगनल है। अब नॉन डायगनल मैट्रिक्स कौन ढूंढेगा जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी है? ओके लेट मी टेल यू, ये लो जी। सो देयरफॉर व्हाट इज ए स्क्वायर माय डियर, मल्टीप्लाइड विद, हाँ जी, दिस इंटू दिस 1 0 0 1। अरे ये क्या हो गया, ये ए का स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है लेकिन ए तो डायगनल मैट्रिक्स है ही नहीं, तो ये गलत है। फिफ्थ वाला भी गलत हो गया ना, ए मस्ट बी अ डायगनल मैट्रिक्स विद डायगनल एंट्रीज 1, ये भी गलत है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, सम ऑफ यू जो नए बच्चे हैं या जो बाद में पहली बार वीडियो देखेंगे, दे मस्ट बी शॉक्ड कि सर कुछ करेक्ट ही नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन है? अरे भाई ये मैंने डिज़ाइन किया है, मैं तो आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा था, ये आपसे पूछ रहा था कि भाई इसमें से क्या क्या हो सकता है। देखने से लगेगा कि लगभग सब कुछ हो सकता है, तो इंटेलिजेंटली एक क्वेश्चन को आपको टैकल करना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ये एक पॉइंट ही हो गया। अगर स्क्वायर आइडेंटिटी है तो क्या क्या हो सकता है, सेकेंड पॉइंट आपको ये बताया ही था। ओके नेक्स्ट थिंग, अब आगे देखो। अभी मैं आज एक आइडमपोटेंट मैट्रिक्स पे और एक निलपोटेंट मैट्रिक्स पे बात करना चाहूँगा, देख लेते थोड़ा सा कर लेते। एन क्रॉस एन इट्स आइडमपोटेंट, इफ एंड ओनली ए स्क्वायर इज ए। देखिए इसमें इतना कुछ लिखा जा सकता है, कम से कम 2 से 3 पेज आराम से भर, आज ही आराम से भर जाएंगे। मैं आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ बेटा इसके लिए, और फिर हम वेरीफाई भी कर लेंगे। नंबर वन, अगर कोई मैट्रिक्स आइडमपोटेंट है तो भाई ना सिर्फ सेकंड पावर आइडेंटिटी होगा बल्कि सेकंड पावर ए होगा बल्कि आर ई इंटीग्रल पावर्स ए के बराबर होंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। कैसे? अभी कराएंगे। नंबर टू, ए इज आइडमपोटेंट इफ एंड ओनली आई माइनस ए इज आइडमपोटेंट। नंबर थ्री, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या -1 होगा, नहीं या तो 0 होगा या 1 होगा। इसी तरीके से आइजन वैल्यूज, क्या होंगी? नंबर फाइव, इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ आइटम इम्पोर्टेंट, हाँ जी। नंबर सिक्स, ये डायगनलाइजेबल है या नहीं है, तो अगर आपको ये 6-7 पॉइंट्स आते हैं अच्छे से तब तो आप एग्जाम में जाने लायक हैं। अब ये पॉइंट्स ही नहीं आते, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन इज ओके, ये वेरीफाई नहीं हो रहा, ये कभी पढ़ा ही नहीं, आइजन वैल्यूज पढ़ा है लेकिन आइटम इम्पोर्टेंट के आइजन वैल्यूज नहीं पता आपको, रैंक आइटम इम्पोर्टेंट का पर्टिकुलरली क्या आता है हमेशा, पर डायगनलाइजेबल तो क्या नहीं, क्या ना बच्चा मिनिमल पॉलीनोमियल पढ़ता है ना डायगनलाइजेबिलिटी पढ़ता है, और ये दोनों इतनी खतरनाक चीज़ें हैं, इतनी ज़बरदस्त आपके अंदर शक्ति भर देंगी, खराब से खराब क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अगर आपने मिनिमल पॉलीनोमियल पे कमांड कर लिया और डायगनलाइजेबिलिटी पे। चैलेंजिंग तो है, नथिंग इज, नथिंग कम्स फॉर फ्री। आइए करा देता हूँ थोड़ा सा।
ये वाला पॉइंट देखो बेटा, ये तो डेफिनेशन है, ये वाला पॉइंट कराते हैं। देखिए, व्हाट इज ए पावर थ्री माय डियर? ए पावर थ्री इज ए स्क्वायर अलोंग विद ए, सो दैट इज ए अलोंग विद ए, दैट इज ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर तो खुद ही ए है। तो जैसे थर्ड पावर आया आइडेंटिटी, ऐसे ही फोर्थ, सॉरी, जैसे थर्ड पावर ये आया है, लाइक वाइज वी विल हैव फोर्थ पावर इज ए, फिफ्थ पावर इज ए, हो गया वेरीफाई। तो आइटम पोटेंट होने की वजह से ए का सारा फर्स्ट पावर, सेकेंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर सब आइडेंटिटी के बराबर है। सेकेंड पॉइंट पे आइए, ए इज आइटम पोटेंट मान लिया आपको, टू एग्जामिन आई माइनस ए। नाउ आई माइनस ए अगर आइडमपोटेंट है मेरे बेटा, तो इसका स्क्वायर ये खुद आना चाहिए। एंड अगेन डोंट बी अ फूल, स्क्वायर स्कूल के बच्चे की तरह ओपन नहीं करना है, एक रिसर्चर की तरह ओपन कीजिए, जैसे अभी आपको ओपन करके दिखाया, कैसे ऐसे ऐसे ओपन होगा, ध्यान रखना भाई, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत तो आपको सब्जेक्ट की करनी चाहिए। वॉट इज़ आई माइनस ए का होल स्क्वायर? इट इज आई माइनस ए मल्टीप्लाइड विद आई माइनस ए, विच इज आई आई माइनस आई ए माइनस ए आई प्लस ए ए, सबका इलाज करते हैं। दिस इज आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। वॉट इज ए स्क्वायर इन केस ऑफ आइटम पोटेंट? ए स्क्वायर इज ए, सो आई माइनस ए प्लस ए, दिस टर्न्स आउट टू बी आई माइनस ए। नज़र आया, आई माइनस ए का स्क्वायर तो आई माइनस ए, कमाल हो गया भाई। चलो जी, ये रिजल्ट भी ट्रू है जो आपकी आंखों से छुपा हुआ था। नंबर थ्री, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, दिखा देते हैं। अगर ए स्क्वायर ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज सेम एज डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, which implies हाँ जी, अलजेब्रा में क्या सिखाता है? अलजेब्रा, अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है तो एटलीस्ट वन शुड बी जीरो। सो दिस इम्प्लाइज इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन जीरो, यानी ए वन। क्लियर हो गया? ऐसे करके आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने एक पॉइंट जो यहाँ नहीं लिखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी आपने डिटर्मिनेंट वाइज देखा, डिटर्मिनेंट देखा कि बेटा इसका डिटर्मिनेंट या तो जीरो आ रहा है या वन आ रहा है। अगर आइडमपोटेंट का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, और अगर आइडमपोटेंट का डिटर्मिनेंट वन है तो पक्का इन्वर्टिबल होगा। तो इन्हीं पर बात करते हैं, एक आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होगा। ओके, लेट मी गिव यू सर्टन एग्जाम्पल ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है भाई, जीरो मैट्रिक्स तो पक्का आइडमपोटेंट है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आइडमपोटेंट है। इसमें से पहले वाला इन्वर्टिबल नहीं है, सेकेंड इन्वर्टिबल है, बट कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए तो और भी कुछ देखना पड़ेगा। तो ये वाला मैट्रिक्स ले लो, वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे सेम आएगा, करके देख सकते हैं। हाँ जी, आइए जरा, सॉरी। तो अगर हम डिटर्मिनेंट पे बात करें तो यहाँ का डिटर्मिनेंट जो है दैट इज ज़ीरो, इसका डिटर्मिनेंट जो है वन है, और यहाँ जो डिटर्मिनेंट आया वो फिर से ज़ीरो आ गया। एनीथिंग यू कैन कंक्लूड? ओके, लेट मी टेल यू, सिंपल ऑब्जर्वेशन तो देख ही लिया आपने, कोई और आइडमपोटेंट लेंगे उसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आएगा। डिटर्मिनेंट वन सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही आएगा, ये रिजल्ट है, आप आराम से प्रूव भी कर सकते।
जी, ओनली इन्वर्टिबल आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस कैन बी प्रूव्ड, जैसे बाकी चीजें प्रूव हुई हैं। ओके वन मोर थिंग, देखो भाई जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे यू विल एनकाउंटर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और अगर आज तक एनकाउंटर नहीं किया है आपने, अब जरा ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसकी भी कहानी अलग है, ये पहले तो इसका ओरिजिन कहाँ से आया है और ये किन किन जगह पे आपको काम आएगा। देखो भाई ये मैट्रिक्स यूनिटरी है, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो जैसे ही आप थीटा चेंज करेंगे एक नया मैट्रिक्स आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल की पूरी लिस्ट आ गई, इतने सारे मैट्रिक्स हैं जो ऑर्थोगोनल है, और यूनिटरी की भी लिस्ट आ गई। बट ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कहाँ से, जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, नो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विद एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विद थीटा, एंगल थीटा, है ना, वहाँ से आई हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको आगे बहुत सारी पढ़नी है, क्लास में आएंगे, ज्वाइन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाके रिजल्ट निकलेगा। प्लांट प्लांटेशन, छोटा पौधा लगाना आसान है, उसकी केयर करना, बड़ा हो रहा है डेली आपको वाटरिंग करनी है, उसका सनलाइट का ध्यान रखना है, एंड सो मैनी थिंग्स, तब तो जाके बड़ा होकर वो फल देगा, छाया देगा, है कि नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। आई थिंक इट वॉज जस्ट अ ग्लिम्प्स, और कह सकते हैं ट्रेलर था, तो पूरी पिक्चर देखनी है तो आइए। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।